हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो सब बढ़िया, ऑल इज वेल। तो स्टूडेंट, जो मैंने लास्ट टाइम पे लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड किया था आर्टिकल 19 को लेके, जो कि राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम से रिलेटेड था, तो पहले स्टूडेंट मैं एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अपना ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। ऑलरेडी वैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने फ्री में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मोर देन 100 क्वेश्चंस मैंने व्हाट्सएप किए बच्चों को। तो स्टूडेंट, मैं दोबारा से एक और बार सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे CS EET का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर किसी भी बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मोर देन 100 क्वेश्चंस की जो मैंने PDF फाइल सारे बच्चों के साथ शेयर की है फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टूडेंट वो मैं सारे बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दूसरा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और है, ये मैंने एक लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग जो कि हमारा 50 मार्क्स का हमारे एग्जाम में आएगा, तो इसके मेरे पास मोर देन, अगर आप यहां पे देखेंगे टोटल मोर देन 6000 से ज्यादा मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। बट स्टूडेंट, ये जो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसके अंदर मोर देन 6000 क्वेश्चन है एमसीक्यू, ये आपको पेड बेसिस पे मिलेगी। जो मैंने अभी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जो मैं आपको मोर देन 100 क्वेश्चंस दूंगा, वो स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और ये फाइल आपको पेड बेसिस पे मिलेगी। तो स्टूडेंट, जिस भी बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट या पेड बेसिस पे ये फाइल चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चन की, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके और वो ये चेक कर सके कि जो मेरे कॉन्सेप्ट है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए स्टूडेंट, जो मैंने अपने लेक्चर यहाँ पे डिजाइन की है, तो अगर आप देखोगे तो मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराता चल रहा हूं। जैसा मैंने लेक्चर 5 लास्ट टाइम पे रिकॉर्ड किया था, तो अब मैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। अगर आपको ऑलरेडी ये टॉपिक क्लियर है राइट टू फ्रीडम, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए अपने एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा स्टूडेंट, आज जो मेरा स्टाइल होगा एमसीक्यू कराने का वो डिफरेंट होगा। मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करूंगा, आप मुझे आंसर बताएंगे। सर, आप तो ऑनलाइन नहीं बता रहे, अगर आप लाइव होते तो हम आपको आंसर्स बताते। स्टूडेंट, आपको व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पे, आपको स्क्रीन में मेरा नंबर नजर आ रहा होगा, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पे और मुझे बताने इन क्वेश्चन के आंसर्स। तो स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो राइट टू फ्रीडम है, जो राइट टू फ्रीडम है, वो कौन से आर्टिकल में कवर किया गया? हाँ जी, तो स्टूडेंट सोचो कौन से आर्टिकल के अंदर उसे कवर किया है। आर्टिकल 14-18 कवर किया गया, या ऑप्शन बी आर्टिकल 19-22 कवर किया, या आर्टिकल 23-24 कवर किया गया, या आर्टिकल 25-28 कवर किया गया। तो स्टूडेंट, अगर आप यहां पे देखोगे तो राइट आंसर क्या है, क्योंकि यहां पे केवल एक ही चीज बोली है, राइट ऑफ राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम स्टूडेंट आर्टिकल 19 से 22 के अंदर कवर किए गए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ध्यान से पढ़ो। हाउ मेनी राइट्स ऑफ फ्रीडम आर एक्सप्लेन इन आर्टिकल 19? स्टूडेंट्स, कितने राइट्स हमें फ्रीडम के एक्सप्लेन किए गए आर्टिकल 19 के अंदर? सोचो, जल्दी सोचो। तो स्टूडेंट बताओ, क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्या आपको आंसर सी नजर आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है आंसर डी? हाँ जी, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। स्टूडेंट, नजर इधर से उधर मत हटाना वीडियो देखते हुए, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाला काम हो जाएगा इस वीडियो के अंदर, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19? स्टूडेंट ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, क्या ये आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं है? ऑप्शन बी फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
क्या ये आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं है? फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली और विदाउट आर्म्स, क्या ये आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं है? ऑप्शन डी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो स्टूडेंट राइट आंसर आपको पता लग ही गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, डी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं है। स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 का पार्ट है। कौन से आर्टिकल का पार्ट है? आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कंडीशन टू इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्रीडम? स्टूडेंट हमें कंडीशंस बतानी है जो इंपोज की जा सकती है हमारी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, राइट टू फ्रीडम। ऑप्शन ए, क्या वो इंपोज बाय लॉ हो सकती है एंड नॉट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अंडर द स्टैट्यूट। ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। स्टूडेंट जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए वो कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। और मैंने रीजनेबल का जो एग्जाम्पल है और जो मैंने इसे आपको एक्सप्लेन किया था, डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन किया था, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर नंबर 5 में देख सकते हैं, मैंने रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल बहुत ही डिटेल्स के अंदर आपको बताया था। ऑप्शन सी, इम्पोज टू अचीव वन और मोर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 19। स्टूडेंट मुझे लगता है इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता लग गया होगा, आंसर डी है इसका, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे वो सारी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है राइट टू फ्रीडम को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन कुड बी चैलेंज इन कोर्ट। कौन सी रिस्ट्रिक्शन है जो कोर्ट के अंदर चैलेंज की जा सकती है? क्या वो रीजनेबल है जिसे हम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं? क्या अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को हम चैलेंज कर सकते हैं? या किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन को हम चैलेंज कर सकते हैं? या कोई भी रिस्ट्रिक्शन चैलेंज नहीं की जा सकती? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, ऑप्शन सी नजर आ रहा है, मुझे लगता है ऑप्शन डी आंसर है इसका। क्या बोलते हो? ऑप्शन डी। कितने बच्चों को लग रहा है बेटा इसका राइट आंसर ए है? ना, इसका राइट आंसर बी है, अनरीजनेबल। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन क्या है, अनरीजनेबल है, तो आप कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अंडर विच केस लॉ, हमसे केस लॉ पूछ रहा है स्टूडेंट कि जो फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑडियो विजुअल। स्टूडेंट ऑप्शन ए, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन बी, मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ू या नहीं? चलो मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ए, इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, एज पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कन्वेंशंस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, एज पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कन्वेंशंस एंड ओपिनियंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। तो स्टूडेंट जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अंदर हम एक्सप्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज के थ्रू हम कर सकते हैं। ऑप्शन बी, राइटिंग और प्रिंटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। ऑप्शन सी, क्या हम पिक्चर्स इंक्लूडिंग कमर्शियल स्पीच के थ्रू हम लोग कर सकते हैं? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास, विच वन इज नॉट द परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं तो अब आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होगा अपना। अभी तक लॉलीपॉप क्वेश्चन चल रहे थे स्टूडेंट, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए तो अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई कर दो
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है विच वन इज नॉट द परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन, कौन सी यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन बता रखी है वो परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी नॉट हैविंग रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, ऑप्शन डी पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी मोरालिटी। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है बी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है आर्टिकल 19 इज डायरेक्टेड टू, तो स्टूडेंट जो आर्टिकल 19 है इज डायरेक्टेड टू ऑप्शन ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया चाहे वो सिटीजन हो या फॉरनर हो, ओनली फॉरेन सिटीजन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट सोच समझ के आप इसका आंसर दें कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी डी। इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 कॉर्पोरेशन इज नॉट अ सिटीजन within the meaning of article 19 although have rights indirectly through its shareholder explain under। to student jo hamari corporation hai wo citizen of india nahi hai article 19 ke according, but ek case law hua tha jiske andar ye decide hua tha student ki indirectly shareholder ke through ek corporation ko ek company ko citizen of india ke rights milte hain, kaun sa case law hai student, option a b c d, आपको सही जवाब बताना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी केस लॉ का नाम बताया था, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करके मुझे कंफर्म करें कि कौन सा आंसर सही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है Which one is not the interest to impose reasonable restriction on freedom of assembly without arms? To student, option A, sovereignty and integrity of India, option B, public order, option C, security of the state, option D, both B and C. To student, बहुत ही ज्यादा concentrate करके आप इसका answer बताएं। इसका right answer क्या होगा? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 विच वन इज नॉट द इंटरेस्ट टू इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो स्टूडेंट आपको यहां पे बताना है विच वन इज नॉट, नॉट यहां पे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द इंटरेस्ट टू इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन on freedom of association, option A। अंजी क्या लगता है आपको option A answer होगा, B होगा, C होगा या D होगा? तो student इसका right answer है option D defamation, right answer defamation। question number 13 which interest is common between freedom of movement and freedom of residence to impose restrictions? तो स्टूडेंट यहां पे आपको कॉमन इंटरेस्ट बताना है, ऑप्शन ए इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ऑप्शन बी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ऑप्शन सी पब्लिक ऑर्डर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट इसका राइट आंसर है डी बोथ ए एंड बी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिक्वायर्स intellectual skills as per right to freedom of trade and occupations, option A student business, to student business karne ke liye koi intellectual skills ki zarurat nahi hoti, aap koi sa bhi business kar sakte hain, maine apni last class ke andar bhi students bataya tha। to student ek bacche ka mere paas whatsapp aa gaya ki sir aajkal corona ke chalte is bimari ke chalte student स्टूडेंट ठेके की जो दुकानें शराब की दुकानें जो वो ओपन की गई और सोशल
डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई, तो स्टूडेंट बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जो ये अल्कोहलिक शॉप होती है क्या ये बिजनेस भी हम लोग कर सकते हैं? तो स्टूडेंट इस बिजनेस को करने के लिए हमें लाइसेंस लेना होता है। स्टूडेंट कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ऑप्शन बी ट्रेड, ऑप्शन सी प्रोफेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सी प्रोफेशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अंडर विच केस लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली मध्य प्रदेश एक्ट वॉज चैलेंज द प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीडीज हेल्ड अनरीजनेबल इन एग्रीकल्चर सीजन। तो स्टूडेंट ये मैंने केस लॉ भी बताया था अपने लेक्चर के अंदर, तो जो मेरा लेक्चर नंबर 5 था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट वो आप ही को मुझे व्हाट्सएप करना होगा कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, तो मैं आपकी कंफर्मेशन व्हाट्सएप पे देने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट कैन क्रिएट मोनोपोली इन फेवर ऑफ इटसेल्फ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन ए लिमिटेड क्लास ऑफ पर्संस, ऑप्शन बी पब्लिक एट लार्ज, ऑप्शन सी स्टेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सी स्टेट। स्टूडेंट्स चलते चलते बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं अपनी प्रॉमिस को आपके सामने कंप्लीट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। बस मेरी आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि स्टूडेंट जब आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, तो स्टूडेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेरे पास स्टूडेंट डेली बेसिस पे जब बच्चों के व्हाट्सएप आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनकी हर क्वेरी का उनको रिप्लाई करता हूं, और जो भी मुझसे हेल्प हो सकती है मैं उनकी हेल्प करता हूं। स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।